दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CoinSuite में कैसे आप रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आप KYC कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इस एयर ड्रॉप में अगर पार्टिसिपेट करना है, जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको KYC करनी है। KYC करने के बाद जब आपकी KYC अप्रूवल होगी तो आपको यहाँ पे 2000 टोकन वो फ्री मिलेंगे, ओके। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि वजीरेक्स में लगभग जब वजीरेक्स कॉइन मार्केट में आया था, तब फ्री में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उनको भी फ्री में वजीरेक्स कॉइन मिल रहा था। और आज अगर उस कॉइन की अगर बात करेंगे तो कीमत समथिंग 400 रुपये तक गई थी, और समथिंग 1 ईयर के पहले पहले 4 रुपये के आसपास थी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा एयर ड्रॉप जो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अंदर आप KYC करिए। KYC कैसे करनी है वो भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लिक करना है या फिर लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जीमेल डालना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप जीमेल डाल सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके भी बताऊँगा, ओके। सो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि आपको साइनअप के ऊपर क्या डालना है। आपका जीमेल डालना है फर्स्ट बात। सेकेंड बात, आपको पासवर्ड करेक्ट करना है। आपका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है, ओके। उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड डालना है, आपको यही पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद में इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आपको अग्री का ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे वेट करना है, यानी कि हम इसका वेट करेंगे, और यहाँ पे वेट करने के बाद में आपको इस तरह से वेरीफिकेशन करना है, ओके। ये वेरीफिकेशन अपना फेल हो चुका है, तो वापस करेंगे एक बार इसको सही तरीके से, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई इज सक्सेसफुल, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना जीमेल डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ओके। तो दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, जीमेल भी डाल दिया, और यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद में हम वापस इसको वेरीफिकेशन करेंगे। वेरीफिकेशन करने के बाद में आप यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है कि आपका जो जीमेल है अब तक आपने वेरीफाई नहीं किया, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको सही तरीके से करना है। तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको आपके मेल पे जाना है। मेल पे जाने के बाद में वहाँ पे एक कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। मैं अभी आपको वेरीफाई यहाँ पर कर लेता हूँ। सो दोस्तों, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, और आपके अब जीमेल पे जब वापस आप लॉगिन करने जाओगे तो एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, मैं अभी आपको यहाँ पे डाल के बताता हूँ, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, और अब अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है, ओके। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपना अकाउंट लगभग लॉगिन हो चुका है। और अब हम जाएंगे कि वेरीफाई आपको कैसे करना है। तो हम जाएंगे इनके प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे मोबाइल के अंदर आप राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा सेटिंग का, और वहाँ पे आपको प्रोफाइल के ऊपर जाना है। और प्रोफाइल में जाने के बाद में वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये आपका जो नाम है वो डालना है, ओके। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं कुछ भी, यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट नाम डालना है जो भी आपका है, और स्पाइस नहीं देना है बीच में। यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, और मिडल नाम जो भी है आपका, ओके। जो भी आपका मिडल नाम है वो डालना है। जन्म डेट आपको कुछ भी है, जो भी आपके अकाउंट मतलब आपके पैन कार्ड पे है, कोई आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर हो, तो वो आपको यहाँ पे जन्म डेट डालनी है। सेलेक्ट योर जेंडर, यानी कि आप मेल हैं या फिर फीमेल है वो डालना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे कंट्री आपकी चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी इंडिया कंट्री है, तो हम इंडिया के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। सिटी, सिटी यानी कि आपको जो भी आपकी सिटी है
वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और स्ट्रीट यहाँ पे आपको जो भी आपका स्ट्रीट है वो आपको डालना है। उसके बाद में वापस आपका जो भी हाउस है यानी कि मकान नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपार्टमेंट यानी कि कौन से अपार्टमेंट में रहते हो या फिर अदरवाइज किसी के बाजू में रहते हो तो वो नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिप यानी कि आपका जो पिन कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपकी जो एरेंटी है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एरेंटी कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, तो हम कुछ भी यहाँ पे जो आपके पास हो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड भी अगर आपके पास है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एड फाइल के ऊपर जाना है। एड फाइल के ऊपर जाने के बाद में आपको इस तरह से तरह का एक ऑप्शन स्कोर खुल जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक लोगो डाउनलोड किया है तो वो डाल देते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। वापस आपका जो आधार कार्ड है फ्रंट साइज डाल दिया, अब बैक साइज डालना है यानी कि पीछे वाला साइड आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो वापस हम वही डाल देते हैं। डालने के बाद में वापस कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में एक बात का ध्यान रखें, आपको एक सेल्फ़ी फ़ोटो लेना है। सेल्फ़ी मीन्स कि आपके एक आपके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे लिखना है वाइट पेपर के ऊपर कॉइन बिट्स। ठीक है, कॉइन्स बिट। इसके अलावा नीचे जो डेट है, जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस डेट को आप केवाईसी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के जिस डेट की आप केवाईसी कर रहे हो उस डेट पे एक सफ़ेद पत्ते पे आपको कॉइन्स बिट लिखना है। ठीक है, उसके नीचे डेट लिखनी है, जिस दिन जिस भी डेट में आप केवाईसी कर रहे हो वो डेट लिखनी है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद कॉइन्स बिट डेट और इसके अलावा आपका वाइट पेपर के ऊपर। ओके, उसके बाजू में आपको एक आपका वो लेना है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको लेना है। और दोनों हाथों में लेके आपको केवाईसी सामने वाले बंदे को बोलना है कि भाई साहब मतलब एक सेल्फ़ी लेनी है। ओके, तो सेल्फ़ी लेने के बाद में यानी कि फ़ोटो क्लियर फ़ोटो लेने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आप एड फाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कॉइंस बिट के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं उसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। ओके, तो जैसे आप इस तरह से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल उपाय है, सीधा और सादा उपाय। ओके, तो दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको आपके मोबाइल को डेस्कटॉप मोड करना है, यानी कि डायरेक्ट आप करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको आपके मोबाइल को डेस्कटॉप मोड करना है, तभी आप प्रोसेस पूरा कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।